विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन भी विपक्ष का सरकार के खिलाफ कड़ा रुख जारी रहा। बीते दिन जहां गारंटियों को लेकर विपक्ष ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं वीरवार को विपक्ष के विधायकों ने उद्योगों के पलायन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, स्थापित है, काम चला हुआ था, वो पलायन करने के लिए विवश क्यों हो रही है, प्रश्न ये था, हमारी चिंता का विषय ये था। लेकिन इस बात को लेकर के जवाब नहीं दिया गया, जवाब उल्टा उस तरह से देने की कोशिश हुई और जिसमें काफी नोकझोंक हमारे विक्रम सिंह जी के साथ की गई, सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो बार बार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पर जो है वो इंडस्ट्री को लाएंगे, वो शर्तें क्या है? जो MOU हो चुका है, जिन इंडस्ट्री के बारे में बिडिंग हो करके वो सैंक्शन हो गई है, काम जमीन पर करना है, उसमें कौन सी शर्तें लगाना चाह रहे हैं अब? और शर्तें वही हैं, हट फिर करके बात वही आ रही है। उनके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ नेता इस प्रकार से शामिल हो गए हैं कि इस प्रकार की शर्तें लगाओ ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आए हमारे पास, और आने के बाद हम अपनी कंडीशन उनके पास रखें, उनके सामने रखें, और सामने कंडीशन रखने के बाद फिर उसके बाद जो है उनकी बात सुननी है, माननी है, लगानी है, नहीं लगानी है, उस बात पर निर्णय करेंगे। विपक्ष के विधायकों ने सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश से उद्योगों के पलायन का आरोप लगाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।